अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्लांट की फैमिलीज़। ये बेसिक फार्माकोग्नोसी जो 1 का सिलेबस है, थर्ड सेमेस्टर या सेकंड प्रॉफ, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड ये प्लांट फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर दोनों प्लांट जो हैं वो अल्कलॉइड्स हैं। अगर इसकी हम थोड़ी सी ये पिक्चर ये मैंने ड्रॉ की हुई है वो इसलिए है कि ये वाला जो प्लांट है ये है रवुल्फिया, एंड ये वाला जो प्लांट है ये अक्सर आपने देखा होगा ये है कैथरेंथस रोजियस, जिसे हम सदाबहार या पेरीविंकल भी कहते हैं। ये इसके वाइट कलर के फ्लावर भी होते हैं एंड पिंक कलर के फ्लावर्स भी। तो ये दोनों प्लांट वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों अल्कलॉइड कंटेनिंग प्लांट हैं। कैथरेंथस रोजियस जो है वो एंटी जो है वो कैंसरस है, जबकि रवुल्फिया सरपेंटिना जो है ये एक ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो फीचर्स सबसे पहले जो हमने फैमिली डिस्कस करनी होती है, जो पेपर पैटर्न लिखने का तरीका है कि इसमें से दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो आप फैमिली के फीचर्स बता दें या फिर प्लांट के फीचर्स बता दें। तो फैमिली के फीचर को जानना भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो प्लांट की फैमिली है ये फ्लावरिंग है, इसके अंदर ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स, लिनेंस सारे आ जाते हैं। इसको डॉगबेन फैमिली भी कहते हैं क्योंकि इसमें से मोस्टली जो है जब हम इसको पैथोलॉजिकली इंजॉय करते हैं तो वो मिल्की एक्सुडेट्स देते हैं। इस फैमिली के तकरीबन 1500 स्पीशीज़ हैं और 424 जेनर्स हैं। इसमें जो लीव्स हैं वो सिंपल होते हैं, जब हम लीव्स की बात करते हैं लीव्स जो है सिंपल है, ऑपोजिट होता है डिकसेट है। डिकसेटी का मतलब ये होता है कि जो ऑपोजिट हो, जो क्रॉस सेक्शनल हो, या होरल है या आर होरल्स हैं। और इनके जो लीव्स होते हैं उसमें स्टेप्यूल्स नहीं होती, इनके वो पार्ट जिससे वो लीव जो है वो स्टेम के साथ अटैच होता है वो पार्ट इसमें मिस होता है। हम कहते हैं ये स्टेप्यूल्स नहीं है इसमें। इसके फ्लावर्स जो हैं वो एक्टिनोमार्फिक या बाइसेक्सुअल होते हैं और सम टाइम्स जाइगोमार्फिक होते हैं। एक्टिनोमार्फिक होता क्या है? एक्टिनोमार्फिक ये ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो दो से ज़्यादा सिमेट्री में डिवाइड हो जाते हैं, और जो दो सिमेट्री में डिवाइड हो उन्हें जाइगोमार्फिक कहते हैं। जो रेगुलर सिमेट्री होती है, और एक्टिनोमार्फिक इरेगुलर सिमेट्री होती है। केलक जो है इनके पास जो है वो 5 फ्यूज सेपल्स होता है, इसी तरह जो क्रोला है वो 5 फ्यूज पेटल्स होगा। प्लांट के फीचर आपको बताते चलो तो प्लांट के अंदर केलक्स होता है जिसे हम सेपल्स कहते हैं, जो आपने देखा होगा जो फ्लावर के इर्द गिर्द होती हैं उसको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, ये हमेशा सब्ज रंग की होती हैं। इस तरह प्लांट में जो है वो क्रोला होता है जो कि कलरफुल फ्लावर्स की पेटल्स होती हैं। इसी तरह प्लांट में जो स्टेमन्स, एंथर, फिलामेंट्स, ये प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और इन सबको हम कहते हैं एंड्रोशियम। इसी तरह प्लांट के ओवी, पिस्टल, कार्पस, ये सारे जो हैं ये फीमेल फेमिनाइन पोर्शन है फ्लावर के, और इसको हम जो है वो गाइनेशियम भी कहते हैं। ठीक है, फ्रूट जो है वो इसका फोलिकल के फॉर्म में होता है, बेरी के फॉर्म में और कैप्सूल के फॉर्म में। जो इसके सीड है उसके ऊपर जो है वो फ्लैट होते हैं और थोड़ा सा उसके ऊपर हेयर का टफ्ट बना होता है जो इसकी पोलिनेशन में हेल्प आउट करता है। इस प्लांट के जो इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं उसमें रवुल्फिया और कैथरेंथस रोजियस है। रवुल्फिया को डिस्कस करते हैं तो रवुल्फिया एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसका बोटेनिकल जो होता है रवुल्फिया सरपेंटिना। फैमिली इसकी एपोसाइनिएसियाई होती है, फैमिली एपोसाइनिएसी है, जीनस रवुल्फिया है जिसको जॉन रवुल्फ ने डिस्कवर किया था। स्पीशी जो है वो सरपेंटिना है। सरपेंटिना जो है वो बेसिकली सरपेंटीन रूट से है क्योंकि इसके जो रूट्स होती हैं वो स्नेक लाइक होती हैं, बालदार होती हैं, इसलिए इसको सरपेंटिना कहते हैं। ठीक है, तो इंडियन स्नेक रूट भी कहते हैं इसको, सर्पागैंडा भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये ऐसा प्लांट है जिसके पार्ट जो है वो रूट्स और राइजोम होते हैं, यानी कि रवुल्फिया जो है वो कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रूट एंड राइजोम ऑफ रवुल्फिया सरपेंटिना बिलोंगिंग टू द फैमिली एपोसाइनिएसियाई। रूट एंड राइजोम इसका पार्ट यूज़ करते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे बात करें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अल्कलॉइड्स पाए जाते हैं जिसमें मेजर जो है वो रेजरपीन है, डेजरपीन है, सिनामीन है, सरपेंटीन है, फाइटोस्टीरोल है, ऑर्गेनिक मैटर है, एचमनीन है, आइसो एचमनीन है। तो काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो रवुल्फिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एचमनीन जो है वो कैथरेंथस रोजियस के अंदर भी प्रेजेंट होती है जो कि सर्कुलेटरी डिजीज में यूज़ होती हैं। रवुल्फिया सरपेंटिना इसकी जितनी प्रेपरेशन है वो क्या करती हैं, वो ऐसे हाइपोटेंसिव एजेंट के तौर पर यूज़ होती हैं। इसके अलावा इनका न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में भी यूज़ है, यानी कि इसको जो है वो ट्रैंक्विलाइजर के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है।
इसके अलावा अजमल ने जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ कार्डिक रिथमिया सिमिलर टू द एक्शन ऑफ क्विनिडीन, जो कि क्विनिडीन आपको पता है सिनकोना बाग में प्रेजेंट होता है क्विनिन, तो उसमें भी वो भी रिथमियाज के लिए यूज़ होता है, जबकि क्विनिन जो है वो एंटी मलेरियल है और क्विनिडीन जो है वो रिथमियाज में यूज़ होता है। इसके अलावा इसकी जो डिकॉक्शन है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के डिफिकल्ट केस में जो है वहाँ पे यूज़ होती है। इसके अलावा जो है इसकी जो एक्सट्रैक्ट है वो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स में एज ए एंटी हेलमेंटिक बीटर टॉनिक और फेब्रीफ्यूज यानी कि फीवर को ख़त्म करता है। टॉक्सिटी की बात करें तो टॉक्सिटी अगर इसके ज़्यादा इसको डोज यूज़ कर ली जाए तो टॉक्सिटी में अबडामिनल क्रैम्प्स होते हैं, डायरिया, GIT अल्सरेशन, वाटर रिटेंशन, स्किन फ्लशिंग, पायोपरी कॉन्ट्रैक्शन, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, एबनॉर्मल स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है हार्ट रेट, तो उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। टेटकीकार्डिया आपको पता ही है कि हार्ट रेट बहुत फास्ट हो जाती है, एबनॉर्मल दोनों होती हैं। वर्टिगो, चक्कर आते हैं, माइंड की डलनेस और नाइटमेयर्स, बुरे ड्रोने हब। तो अगर हम टॉक्सिटी की बात करें तो इसके अंदर ट्रेमर्स, डिप्रेशन और कॉमा हो जाता है। नेक्स्ट है कैथारेंथस रोजियस, तो वो मैं आपको दोबारा हम एक नई स्लाइड्स के साथ डिस्कस करते हैं कैथारेंथस रोजियस, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड प्लांट हमने एपोसाइनेसी या फैमिली को डिस्कस किया था, उसका एक प्लांट डिस्कस किया था रावुल्फिया। अब दूसरा प्लांट जो है वो कैथारेंथस रोजियस है, ये पेरीवेंकल भी इसको कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, एंटी कैंसर होता है और ये ऑर्नामेंटल के तौर पे भी यूज़ होता है। कैथारेंथस जो है ये कैथारेंथस रोसियस होता है, पेरीवेंकल भी इसको कहते हैं, एंड जो है ये सदाबहार होता है, मडगैस्कर भी इसको कहते हैं क्योंकि हम मडगैस्कर से इसको ऑब्टेन करते हैं जो कि इसकी हैबिटेट है। तो बायोलॉजिकल सोर्स में ये जो प्लांट है इसका तकरीबन जो है वो होल प्लांट ड्राई करके यूज़ किया जाता है। एपोसाइनेसिया इसकी फैमिली होती है और कैथारेंथस रोजियस इसका नाम है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बात करें तो इसके अंदर टाइपिन्स होती हैं, इसके अलावा डिफरेंट अल्कलॉइड्स हैं जिसमें इंडोल अल्कलॉइड, डाइमेरिक टाइप और डाइहाइड्रो इंडोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइमेरिक अल्कलॉइड्स में हम बात करें तो वो एंटी कैंसर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिसमें विनक्रिस्टीन, एनविन ब्लास्टीन, एनविनोरेल्बिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ये हम होल प्लांट यूज़ करते हैं लेकिन इसमें बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में जो है ड्रग ऑब्टेन होती है, जिसकी क्वांटिटी जो है वो विनक्रिस्टीन जो है वो 0.002% और 0.003% विनब्लास्टीन ऑब्टेन होती है। दोनों ड्रग्स जो हैं वो कैंसर और हाइपरटेंशन दोनों के केस में यूज़ होती हैं, लेकिन मोस्टली ये प्लांट जो एंटी कैंसर है, इसमें विनक्रिस्टीन जो है वो ल्यूकेमिया के लिए, विनब्लास्टीन जो है वो हॉजकिन डिजीज़, कोरियोनेफिथिलोमास यानी कि प्लेसेंटा का कैंसर जिससे जो प्रेगनेंसी होती है वो अटॉपिक हो सकती है, अबॉर्शन हो सकता है या इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो वहाँ पर यूज़ होती है। कैथारेंथस रोजियस की टॉक्सिसिटी बहुत कम है क्योंकि इसके अंदर अल्कलॉइड्स जो हैं वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो क्लास ये इतना ही लेक्चर था, मैंने कहा आपको थोड़ा सा इस प्लांट का आइडिया दे दूं, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे नई फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़।